good. He pumped it, 2 runs better. Now, this is an even start. And you've got two openers and this sort of four. They need 4. Well, you might as well hit it for 6. तुम अपने आप को समझते क्या हो? समझ रखा है तुमने? ये मेरा देश है, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी ऐसी अगर नहीं गए तो बहुत बुरा होगा। अब हम क्या करें यार? Let's call helpline. You are right. अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? रीप में, रीप में। अरे, अरे सुनो तो, मेरी बात सुनो। Leave me, dude. Leave me. महाराष्ट्र का हूँ, हिंदी में बात कर सकता। तुम भी महाराष्ट्र से हो क्या? मैं भी पुणे से हूँ। और तुम? ये एड्रेस पूछने का समय है क्या? मैं तुम्हारी तरह शहर और एरिया के टुकड़े नहीं करता। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि देश का मतलब सिर्फ इंडिया और राज्य का मतलब महाराष्ट्र। कभी बाउंड्री लाइन नहीं डालनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बाउंड्री क्रॉस करके आए I
होप दिस विल नॉट हैपन अगेन। मेरे देश के बच्चों को दोबारा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। टेक केयर। रेस्पेक्ट इंडिया, रेस्पेक्ट इंडियंस। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा है। हम लोग तुम्हारा यहाँ पे बर्थडे मनाने के लिए घर पे इंतजार कर रहे हैं और तुम वहाँ देश का उद्धार करने के लिए चले गए। माँ, सचिन तेंदुलकर के पिता के मरने के बाद वो तुरंत देश के लिए वर्ल्ड कप खेलने वापस आ गए। फैमिली सेंटीमेंट्स के साथ साथ देश के लिए कमिटमेंट भी होना चाहिए। अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो आई एम सॉरी। हैप्पी बर्थडे टू यू। माँ, आपका छोटा भाई सिंगर विकी कहाँ है? तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए सुबह से बैठकर सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहा है। कहाँ गया विकी? कहाँ है? पता नहीं, यही तो था। तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सिड। अप्पू, ये सॉन्ग मेरी तरफ से गिफ्ट है। जैसे बड़े कहते हैं ना, तुम जियो हजारों साल, हमेशा खुश रहो, भगवान साथ दे तुम्हारा। उड़ उड़ के आया देखो ये मेरा प्यारा हीरो, सबको हिला के रख दे ये ताकत वाला। ये तो है सबसे प्यारा, दुनिया का है ये राजा, हम सबके मन में ही तो है बसने वाला। The soul is pure, his heart is ever twinkle twinkle little star, he's the coolest, सबका dearest one and only power star, and अमान है ये प्यारा न्यारा, he is Mr. Perfect। Perfect.
Well done, sir. Thanks. Thank you, ladies and gentlemen, for your wonderful presentation. It was wonderful meeting you. This year, the prestigious Twin Tower project of Melbourne goes to Williams and Co. डैड वो एक खास प्रोजेक्ट था ना बेटा, मैंने सोचा था कि वो हमें ही मिलेगा. इट्स ऑल राइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम. मैं घर जा रहा हूँ, चलोगे क्या? नहीं डैड, आप जाइए. हेलो, हेलो, हेल्पलाइन. यस, दिस इज नंदिनी. राइट नाउ आई एम इन अ प्रॉब्लम. कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? प्लीज, इट्स अर्जेंट. वेयर आर यू? Actually, I'm new to Australia. I'm from Maharashtra. Can you please help me? Oh, तो आप महाराष्ट्र से हैं? जी हाँ. Okay, बोलिए आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? आपको मेरा पार्टनर बनना होगा. इतनी जल्दी? I mean, I'm a salsa dancer. Dance academy में मैंने ट्रेनर के लिए अप्लाई किया है. आज वहाँ सिलेक्शंस हो रहे हैं. कोई भी ऑस्ट्रेलियन मेरा पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं. I'm so sorry. मुझे सालसा नहीं आता. मैं कुछ नहीं कर सकता. Please, आप मना मत कीजिए. एक इंडियन होने के नाते इतना भी नहीं कर सकते. प्लीज, मैं आपको सिखा दूंगी. डोंट वरी. प्लीज प्लीज. Start. Thank you so much. Huh. Thanks for the help. Take care. आपका नाम? सिद्धार्थ. Bye. लेट कैसे हो गए? पैदल आया हूँ. हाँ? कार कहाँ है? पता नहीं. हाँ? सिद्धार्थ चलो हा? खाना खा लो बेटा. मुझे भूख नहीं है माँ. जीजू, हाँ, ये गाड़ी कहीं छोड़ के पैदल चल के वापस आया है. हमें वो प्रोजेक्ट नहीं मिला ना, इसीलिए टेंशन में होगा. टेंशन क्या? इससे पहले भी तो प्रोजेक्ट नहीं मिलने पर मेरे साथ पार्टी मनाता था. ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था, समझ में नहीं आ रहा है. अप्पू! मामू, सोप से नहाऊं या शैम्पू से नहाऊं? पहले दरवाजा बंद कर ले बेटा, बच्चे घर में इधर उधर घूम रहे. इसे क्या हो गया भगवान. बाय बाय, चलता हूं मैं. हाँ जी. गुड मॉर्निंग सिद. गुड मॉर्निंग डैड. डैड, आज मेरा मूड नहीं है, इसलिए ऑफिस नहीं आ पाऊंगा. इट्स ओके सिद, टेक केयर. टेंडर नहीं मिलने के कारण ये बहुत ज्यादा अपसेट हो गया है. बिजनेस के मामले में ये मुझसे ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है. आज सुबह से यही देख रहा है. समझ में नहीं आता ये कैसा डांस है. वो पैर ऊपर करता है, ये पैर ऊपर करती है. वो उससे चिपक जाती है, वो हवा में उड़ती है. जेमिनी सर्कस जैसा है. हमारा लड़का आउट ऑफ फोकस हो गया. डांस करते करते खा रहा है. हे भगवान, इसे क्या हो गया है.
डैड, आप सालसा डांस क्यों नहीं सीख लेते? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ डांसिंग। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन पार्टनर होना चाहिए ना। माँ है ना डैड। पानी पीजिए। अगर इन दोनों को सालसा करते देखूंगा तो चक्कर खा के गिर जाऊंगा। तेरे अंदर की बात मैं समझ गया। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। अच्छा तो बच्चों का टेंशन काम से नहीं है, सालसा से है। क्या हुआ? नाट्यराज सम्राट, एक्टिंग का राजा। प्रोजेक्ट न मिलने पर तुम्हें इस तरह की फीलिंग हो रही है, ऐसा घर वालों को लग रहा है। जो हाथ से निकल गया है प्रोजेक्ट, वो कारण तो नहीं है मिस्टर परफेक्ट। हेलो, बिना कंट्रोवर्सी के बस तुम ही हो। कि बात क्या है बताओ ना। अरे मामू आप टेंशन मत लो, अपने परिवार और अपनों की बेइज्जती ना हो जाए यही सोचकर मैं टेंशन ले रहा हूँ। वाह, मुझे पता है क्या हुआ है? लव लव हो गया। मामा प्यार ही जीवन में सब कुछ है। वो लड़की कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ की है, महाराष्ट्र की है? ये डिटेल्स मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब वो हाँ कह देगी तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तब तक प्लीज आप मीडिया की तरह पीछा मत कीजिए। ठीक है फिर, जैसे रेडियो में पूछते वैसे पूछूंगा। क्या ये सालसा डांस उसी की वजह से है क्या? यस, वो एक सालसा इंस्ट्रक्टर है और कल से मैं भी सालसा क्लासेस ज्वाइन करने वाला हूँ। नंदिनी मम्मी। मम्मी है? मम्मी क्या? ये क्या, ये लड़की के बजाय आंटी के पीछे पड़ गया क्या? हे माय फोन। हेलो हेलो नंदिनी। यस मैं हेल्पलाइन सालसा। हे सिद्धार्थ, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वो बच्चा मेरी फ्रेंड का बेटा है। फ्रेंड का बेटा है क्या? हे भगवान, पल भर के लिए तो लगा किसी विधवा के पीछे पड़ा है, भगवान ने बचा लिया मुझे। आप क्लासेस कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू टुमारो, बाय बाय। सालसा सीखने जा रहा है या प्यार करने जा रहा है, परमात्मा ही जाने। ये तो 1 2 1 2 होल्ड 2 1 सिद्धार्थ कम प्रैक्टिस 1 2 1 2 1 2 1 2 स्पिन कैच। वेरी गुड सिद्धार्थ, अच्छा पकड़ लेते हो। तुम्हें कैच करने के लिए तो ज्वाइन किया है। घर पर भी तुम डेली प्रैक्टिस करना, यू विल लर्न वेरी फास्ट। कोई पार्टनर है क्या? अरे नहीं होगा, बाप रे नहीं होगा। अगर दूसरा फिर ऊपर करूंगा तो दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा मैं। मामू आप एक सिंपल सा स्टेप भी नहीं कर सकते? ये जो पेट बीच में आता है उसका क्या करूं? तो फिर पहले ये पेट कम करो। आदमी का पेट कम करना और औरत का पेट ज्यादा करना बहुत मुश्किल है अप्पू। मामू आप पर भरोसा करूंगा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद ही करता हूं। इस हफ्ते क्लासेस नहीं होंगी, मैं ट्रिप के लिए जा रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। सी यू नेक्स्ट वीक। ओके ओके बाय बाय। सोचा था इस वीकेंड में काम हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। बेटा मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कहिए डैड। तुम तो जानते ही हो पिछली बार महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन के लिए हमने फंड दिया था, इस बार देंगे पोलियो के लिए, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारा साथ देगी। ही इज मिस्टर श्रीधर, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर। इनके साथ कुछ और सरकारी ऑफिसरों से मैंने बात भी कर ली है, मैं इस हफ्ते कुछ फंड्स भी भेज रहा हूँ। ग्रेट डैड, वेरी नाइस इनिशिएटिव। सिद्ध, हमारे देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, शिक्षा, संस्कार और साथ ही पहचान भी दी है। हमें अपने देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं बेटा, एक खुद को बचाने के लिए और दूसरा अपने लोगों को बचाने के लिए। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू डैड। मुझे आपका बेटा कहने में गर्व महसूस हो रहा है डैड। बाय द वे सिद्ध, कल जब तुम उन लोगों से मिलने जाओगे तो सबसे पहले तुम हैरिस से मिलना और अपनी डील को क्लोज कर देना। ओके डैड, आई एम श्योर यू कैन डू इट। चेक प्लीज। ओह, तो तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया और तुम्हारे पास पैसे ना होने की वजह से तुम्हें वेटर का जॉब करना पड़ा। फ्रेंडशिप क्या होती है हमसे सीखना चाहिए। लड़के फ्रेंडशिप के वास्ते अपने हाथ पैर तुड़वाते हैं, यहाँ तक कि अपनी लवर को भी छोड़ देते हैं, और तुम्हारी फ्रेंड सिर्फ एक ट्रिप में तुम्हें धोखा दे दिया। ठीक है, एक टैक्सी बुक करता हूँ, घर चली जाओ। मैं वापस नहीं जाऊंगी, आपके साथ चलूंगी मैं। हम लोग कहीं घूमने चलते हैं।
मुझे अर्जेंटली एक मोबाइल चाहिए। सच क्या? तुम बहुत किस्मत वाले हो, सब कुछ तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाता है। विक्की, सिद्धार्थ है क्या? हाँ। पूछो उसने खाना खाया या नहीं। दीदी अभी तो उसने शुरू किया है, बहुत जल्दी पूरा कर लेगा। कर लेगा ना? मामू आप ब्रह्मचारी हैं, यही आपकी प्रॉब्लम है। किसी टेबल को देखोगे तो भी बेड जैसा लगेगा। डोंट वरी बेबी। ठीक है फोन रखिए, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके टेक केयर, बाय। वो कहाँ गई यार? हम मियाँ बीबी हैं जो साथ में रहेंगे, उसका रूम अलग है मेरा रूम अलग है। सुनो जवान हो, अकेले नहीं सोना चाहिए, एक उम्र के बाद इंसान को अकेले नहीं रहना चाहिए। मामू ऐसी बातें करके मेरा दिमाग मत खाओ। अगर खिलाना है तो वर्जिनिटी खिला दो, दिमाग क्यों खिला रहे हो? थू। ए, 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 ए। क्या आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। आज ये मैटर खत्म कर दो बेटे। हेलो मामू। क्या हुआ आप? जो कहता हूँ गलत समझते हो? मैं तो कह रहा हूँ प्रपोज कर दो। हाँ जरा डिनर के टाइम पर मैटर भी अच्छी प्रपोज कर दूंगा मैं। जमा दे मेरे बच्चे। क्यों सब ठीक हो गया ना? मैटर क्लोज कर दिया ना? यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू नंदिनी। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर प्लीज। श्योर नंदिनी, मैं तुमसे जो बात कहने वाला हूँ वो एक्सक्यूज मी, जिसने इस मोबाइल का आविष्कार किया है उसे मारना चाहिए। क्या नंदिनी? तुम हमेशा फोन पर ही रहती हो, थोड़ा सा भी। I'm really sorry. मेरे बॉयफ्रेंड का फोन था। He is very tensed. उसे बिना बताए मैं ट्रिप पे आ गई ना, तभी वो बार बार फोन करके पूछ रहा है। मेरा एक कॉम्पिटिटर है, मेरा लव वर्कआउट नहीं हुआ। ए, तेरा कौन कॉम्पिटिटर हो सकता है? तेरे साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। 10 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीता था तू। रोड में मिलने वाले और कीमती फूलों में फर्क होता है। गुड नाइट। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मैंने सोचा था कि आप रात को रूम में आके सोएंगे। मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगी ये सोच के आप कार में ही सो गए। आप दूसरों जैसे नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कों के बारे में तुम्हारी जो सोच है वो गलत है। लड़कियों के हिसाब से परफेक्ट मैन उनका बाप होता है, हैंडसम मतलब उनका बेटा होता है, और किस्मत वाले की बात की जाए तो वो है उसका जीजू, और जिस पर वो भरोसा करती है वो है उसका भाई। बाकी सबके तुम्हें लोफर लगते हैं।
Hi friends, this song is dedicated to only for love failures. जब दिल ही टूट गया। आओ सिद्धार्थ पार्टी ज्वाइन करो। नहीं माँ, तुम लोग एंजॉय करो। जी के क्या करेंगे कम। जब दिल ही टूट गया हम जी के ओके सिद्ध टेक रेस्ट ओके बाय। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे हम जी के क्या हाय सिद्धार्थ, आज तुम फ्री हो क्या? लड़के हमेशा फ्री नहीं होते, लेकिन वो टाइम निकाल लेते हैं। बोलो। आज मेरी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे है। उसके मम्मी डैडी दोनों बिजी हैं, बोथ आर वर्किंग। एटलीस्ट उस बच्चे का बर्थडे क्यों ना हम दोनों उसके साथ मनाए। एक मिनट रुको, I'll be back, okay? ये क्या? तेरी दीदी को और कोई काम नहीं है क्या? अपने बॉयफ्रेंड से हमेशा बात करती रहती है। क्या का बॉयफ्रेंड? उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो हमेशा यही कहती फिरती है अपने आप को सबसे बचाने के लिए। कुछ दिन पहले वो ट्रिप पे गई थी ना, तब कोई बकरा मिला था सुना है, उससे भी उसने यही कहा था। बबलू, आर यू एंजॉयिंग? नंदिनी, हाँ? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या आज शाम तुम फ्री हो? ओके सिद्धार्थ। आई एम रियली सॉरी नंदिनी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है पता चलने के बाद भी हम दोनों साथ साथ घूमते रहे और क्लोज भी रहे, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? ऐसा है कि हम दोनों ऑलमोस्ट एक साथ हनीमून मनाने जैसा हो गया। यस नंदिनी, यस। एक आदमी का दूसरे आदमी को धोखा देना गलत बात है। आज के बाद तुम जानो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड। बाय। क्या हुआ है तुम्हें? रात में भी तुम अजीब बिहेव कर रही थी। ओ 15 मिस्ड कॉल, उस लड़की पर तो तरस आ रहा है मुझे। जब उसने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है तो मुझे कितना दुख हुआ होगा। ओहो, तो ये बदला है। हर लव स्टोरी में लड़कियां नाटक करती फिरती है, लेकिन यहाँ तो लड़का ही नाटक कर रहा है। इस तरह उस लड़की से खेलने से अच्छा है उसे शादी करके बच्चों के साथ खेल। है? उसी का होगा। ए, ए, बच्चे, ऑन कर दिया। बात कर, बात कर। हेलो। कितनी बार फोन किया मैंने? मैं बिजी हूँ। अपने आप को 10 मिनट के लिए फ्री कर लेना। अगर तुम नहीं आए या मेरा फोन नहीं उठाया तो डेथ नोट पे तुम्हारा नाम लिखकर सुसाइड कर लूंगी। मैंने तुमसे जो 10 मिनट मांगे थे 5 मिनट खत्म हो चुके हैं। जहाँ पर हम बैठे हैं ये हॉट सीट है। मैं तुम्हें सच कहूँ तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जिससे मैं बात करती हूँ वो मेरी फ्रेंड सिमरन है। तुम ही मेरे मिस्टर परफेक्ट हो। मुझे डर था कि कहीं मैं अपनी सीमा पार ना कर दूँ, तभी मैंने दूरी बनाए रखी। मैं सिंगल हूँ। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं? आई लव यू। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? डू यू लव मी? सबको छोड़ के मुझको देखें ये क्या हो रहा है, ये
क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लड़की चुप है फिर भी कुछ कैदी से लगती है, कैदी से लगती है, क्यों हंसती रहती है। इतनी हंसी कैसे बनी, बंद हो गई मेरी शायरी। अरे छोटी मोटी गलती हो तो माफ कीजिए, सबको छोड़ के मुझको देखें। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लड़की चुप है फिर भी कुछ कहती से लगती है, कहती से लगती है, क्यों हंसती रहती है। बातों को प्रैक्टिस किया मैंने, इसके आगे कुछ भी याद आता नहीं। व्हाट्सएप में फूलों को भेजता ही रहता हूँ, फीलिंग की टेक्नोलॉजी काफी नहीं। सेल्फी खींचते वक्त ये लड़की लड़खड़ाती है, उसके करीब जाता हूँ दो बाज आ जाती है। जानू ये तो टचस्क्रीन है, टेक्नोलॉजी का जग शौकीन है। अब फोन मेरा आप ना होगा, माफ कीजिए, सबको छोड़ के मुझको देखें। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लड़की चुप है फिर भी कुछ कहती से लगती है, कहती से लगती है, क्यों हंसती रहती है। शीली तितली मांगो जो देती है, नारे बाबा एक पल भी मैं ना छोड़ू। दूरियां ना सह पाए, अब हम एक हो जाए। मस्ती में आ जाओ कुछ हम मस्त करें, मस्त होने पर ये क्यों हंसती रहती है। तिरछी नजरों से ये पल पल मुझे नचाती है, होश उड़ाए इसकी हंसी। जादूगरनी लड़की है ये, मन को भाने वाली है, मुझे माफ कीजिए, सबको छोड़ के मुझको देखें। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लड़की चुप है फिर भी कुछ कहती से लगती है, कहती से लगती है, क्यों हंसती रहती है। हेलो जगदीश, कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ यार, आई होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। एवरीथिंग इज फाइन। प्रोजेक्ट डिटेल्स मैंने ईमेल से भेज दी है ना, बैंगलोर में स्टार्ट होने वाले बिजनेस के डिटेल्स एक घंटे में ईमेल कर देता हूँ। वैसे हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया आने ही वाले हैं। है, मैंने ये फोन किया है पर्सनल मैटर के लिए, बिजनेस मैटर के लिए नहीं। अशोक है। हाँ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने आज तुम्हें फोन किया। अशोक, वो क्या है कि अब ये वो मत करो, तुम नेक्स्ट वीक आ रहे हो ना, साथ में अपनी बेटी को ले आना, एंगेजमेंट डेट फिक्स कर लेंगे। लेकिन मेरी बेटी तो सुनिए, अपनी बेटी भाग गई ये मत बताना, नहीं तो हमारे बारे में बुरा सोचेंगे। हेलो, हेलो जगदीश। हाँ अशोक, सॉरी मैं दूसरे लाइन पे था, आई एम सॉरी। ओके ओके, चलो अब आने की तैयारी करो, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। बाय, थैंक यू। ओके अशोक, को हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? वो हमारी बेटी के बारे में पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? लड़की तो बहुत सुंदर लग रही है ना। सिद्धार्थ और इसकी जोड़ी मेड फॉर ईच अदर। ए विकी, आओ तुम भी फोटो देखो। आता हूँ जीजू, आता हूँ। यहाँ तो ये उसके लिए लड़की फाइनल कर रहे हैं। अरे विकी, इतनी देर क्यों कर रहे हो? मैंने उसे पहले ही कहा था, सबको बता दे लड़की के बारे में। हम प्रेगनेंसी एक बार छुपा सकते हैं, लेकिन प्यार छुपाने से सब कुछ बिगड़ जाता है। अरे आओ ना। अभी आया दीदी, सब बिगड़ गया। अरे आओ आओ, इसे देखो, सुंदर है ना?
दीदी ये कैसी लड़की है? अरे इसमें क्या कमी है? हमारे सिद्धार्थ से तो फीकी है। हमारे सिद्धार्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। करेक्ट है या नहीं है ये देख लो, शक्ल देख के लग रहा है कि परिवार को नहीं चला पाई। जीजू अपने घर की बात पूरा शहर करेगा देख लेना। फालतू बातें मत करो, तुम्हें क्या लगता है तुम हाँ कहोगे तभी शादी होगी? मुझे पसंद है, परिवार को पसंद है, इसीलिए ये फाइनल है। आप ले जाकर रूम में छोड़ देंगे, वहाँ अंदर सफर करने वाला तो वो है ना। आप एक बार अप्पू से क्यों नहीं पूछ लेते? उसने आज तक मेरी बात टाली है क्या? वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। अरे मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। हाय डैड। हाय सिद। कम कम। क्या बात है, सब लोग इकट्ठे बैठे हैं। सरप्राइज। मेरे पास भी एक सरप्राइज है। पहले आप बताइए। पहले तुम बताओ। कोई एक तो बोल दो, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। डैड आई एम इन लव। सब कुछ ठीक होने के बाद ही मैं आपको बताना चाहता था। आप सबको सरप्राइज करने के लिए आई वॉज वेटिंग। क्या बात है मामू, मैंने कुछ गलत बात कर दी क्या? तुम्हारे पिताजी ने एक लड़की फाइनल की, वो लड़की उनके दोस्त की बेटी है, परिवार में सबको लड़की पसंद आई, तभी तुम आए, अल्लाह के बारे में बताया। लगता है उन सबको चोट पहुंची है। डैड आइस क्यूब्स। डैड, डैड। चलता हूं। डैड। तो तुमने शादी के लिए हाँ कह दी? मेरे घर में भी एक रिश्ता लेकर आया था कोई, लेकिन मैंने फोटो तक नहीं देखी। मेरी शादी मेरी मर्जी से होगी, तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से होनी चाहिए। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो शादी कैसे तय कर सकते हैं? तुमसे पूछना चाहिए था। मजाक में भी ऐसी बातें कभी मत करना। मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए दुनिया में सब कुछ वही है, उनसे ज्यादा मेरे लिए कोई कुछ नहीं। सिद्धार्थ आओ बेटा, बैठो खाना खा लो। क्या वो अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता? आज तक तो आपके खिलाफ कभी भी नहीं गया, और हम खुशकिस्मत हैं जो हमें ऐसा बेटा मिला है। जीजू आप ऐसे अचानक शांत हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। हाँ, तुम दोनों बाप बेटे को बात न करते हुए देखकर बहुत लोग खुश होते हैं, लेकिन आप लेकिन ये बताइए ऐसा क्या हो गया जो नहीं होना चाहिए था? हाँ, आप अपने दोस्त को दिए वचन को निभाना चाहते हो, यही ना? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वचन निभा सकते हो। हाँ, मेरा इस दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं है, है क्या जीजू? आप ही तो हो सब कुछ। हाँ, उस लड़की से मैं शादी कर लूं तब भी तो वचन पूरा हो जाएगा ना। प्लीज मान जाइए जीजा जी, प्लीज। मैं तो इस घर को मंदिर की तरह पूजता रहा और ये तो मेरा सब कुछ तोड़ के चले गए। अरे तुम्हारे घर में हम सबको मना लेंगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी को कैसे मनाएं? क्यों ना पहले हम शादी कर लें, फिर उनसे आशीर्वाद लेने जाएंगे, तब वो मान जाएंगे। ये काम हम जैसे लोग नहीं कर सकते, बेकार लोग ही करते हैं। हे, एक आइडिया आया, उनसे कहेंगे मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब वो बिल्कुल मना नहीं कर पाएंगे। मेरे डैडी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसी बातों पर वो विश्वास नहीं करेंगे। Hi. Hi. I want to meet Mr. Ashok, MD of this company. Thank you. This way. Okay. Excuse me, Dad.
अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो हमारा बजट ओवरशूट हो जाएगा। दोस्तों मैंने सब कुछ देख लिया है, बजट बिल्कुल सही है। मैं चाहता हूँ इसे फाइनल कर दो मिस्टर मूर्ति। सिद्धार्थ तुमने सही कहा था, अशोक सर ने जो डिसीजन लिया है वो सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं मूर्ति, डैड ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, ही इज ऑलवेज राइट। I need to meet Mr. Ashok. Oh, he is going there. Oh, thank you. Yeah. Sir! 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 Nandini, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि पागलपन मत करो, ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? इसमें मजाक की क्या बात है, पिताजी मानेंगे तभी तो शादी करेंगे, इसलिए उन्हें कन्विंस करने आई थी। एक तो पहले से वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं, और ऊपर से तुम कुछ ऐसी बात करोगी तो उन्हें और भी चोट पहुंचेगी। प्लीज डैड, प्लीज मुझसे बात कीजिए, पूरी दुनिया भी मुझसे मुंह मोड़ ले तो आई डोंट माइंड, लेकिन आप मुझसे मुंह मत मोड़िए। डैड आप ही मेरी दुनिया हो, दुनिया में जितने बच्चे हैं उन सबको अपना पिता ही हमेशा हीरो लगता है, जब दूसरों के पिता को देखते हैं तब उनमें कुछ स्पेशल नजर नहीं आता, जब हमारी बात नहीं मानते तो ऐसा लगता है कि हमें अवॉइड कर रहे हैं, जब हम अपनी जिंदगी शुरू करते हैं तो उसमें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ होता है, तब अपने पिता का रोल याद आता है, और सब होने के बाद जब हम उनसे सॉरी कहना चाहते हैं तब तक हम अपने पिता को खो चुके होते हैं, बस पछताते रहते हैं। मैं पछताना नहीं चाहता डैड, जिस लड़की से मैं अभी अभी मिला हूं उससे ज्यादा मुझे आपके प्यार की बहुत जरूरत है डैड, प्लीज डैड। नंदिनी मुझे माफ कर देना, मेरे लिए पिताजी के प्यार से ज्यादा दुनिया में और कुछ भी नहीं है, उनकी पसंद से ही मैं शादी करूंगा। अपने बेटे की खुशी से बढ़कर मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, सिद्धार्थ जिस लड़की को चाहता है उसी से उसकी शादी होगी। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में मैं कुछ नहीं हूँ? ऐसा नहीं है, मैंने सोचा मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ, लेकिन तुमने आज मुझे खुद से अलग कर दिया। नंदिनी, मैं किसी भी तरह अपने दोस्त को समझा लूंगा, क्योंकि अपने बेटे को दुखी देखकर मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। आज तक मैं खामोश रहकर उस पर गुस्सा करता रहा, इसलिए नहीं कि वो मेरे खिलाफ गया, बल्कि इसलिए कि मैं उसकी बात नहीं रख पाया। तुम तो जानती हो कि हम उसकी वजह से इस मुकाम पर हैं, उसी की वजह से आज इस घर में खुशियां हैं, और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। उसने खुशी दी और मैंने उसे गम दिया। आपके दोस्त जगदीश आज शाम को हमारे घर आ रहे हैं, उन्हें कैसे समझाएंगे भैया? मैरिज नहीं, मैनेज नहीं, सब डैमेज हो गया है। हाँ, अपना अप्पू एकदम इंडियन क्रिकेट टीम के जैसा, एकदम फाइनल तक पहुँचता है और फिर फुस से हार जाता है, वापस आ जाता है, फिर भी हम इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी दीदी का सर फट जाए, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अप्पू, मैं तेरे पीछे हूँ, मेरे पीछे पूरा महाराष्ट्र है, मुंबई हमारा है और नंदिनी भी हमारी है। नहीं, नंदिनी तेरी है।
अशोक, समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मेरी बेटी को ये रिश्ता पसंद नहीं है। कहीं हम उसे फोर्स ना करें ये सोच के वो घर छोड़कर चली गई। वैसे भी वो बहुत जिद्दी है, आजकल पता नहीं कहाँ रह रही है। डोंट वरी, तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी। शी विल बी सेफ। एक्चुअली सिद्धार्थ भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें ये बात मैं कैसे कहूँ। अच्छा हुआ तुमने ही कह दी। हे भगवान, अगर उन दोनों की शादी करवा देते तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती, हमारी फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाती। थैंक गॉड, गॉड इज ग्रेट। ओ, हैंडशेक कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। जीजू, क्या तुम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? तुम पागल की तरह बात क्यों कर रहे हो? तुम चुप रहो दीदी, तुम हमेशा चुप रही, इसी कारण जीजू ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। जीजू, अगर ये तुम्हारा फ्रेंड है तो इन्हें घर बुलाओ, चाय कॉफी पिलाओ, लेकिन अपना बेटा मत दो। अशोक, ये क्या नॉनसेंस है? कौन है ये नॉनसेंस कह रहे हो? गूगल में चेक करके देखो, पता लगेगा तो कौन हूँ। मजाक सुन जाए क्या? मजाक मैं कर रहा हूँ कि तुम कर रहे हो? तुम्हें अपनी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिला पूरी मुंबई में जो हमारा अप्पू चाहिए तुम्हें? तुम अपनी बेटी की शक्ल देखे हो कभी यार? मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलने को चुप रहूंगा क्या? अरे अरे विकी, तेरी बात मुझे थोड़ी देर से देख ली, क्या कर रहे हो? विकी हम मिल गए क्या? अशोक छोड़ो, तुम चुप कर रहे हो? मेरी बात समझो, छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुम नहीं कर रहे हो। अरे चलो चलो आ जाओ। इडियट नॉनसेंस रास्कल, आगे से मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब्बू तुम एक अच्छा लाड़ ढूंढो और इसको डिवोर्स दे दो यार। अगर हम चुप रहेंगे तो तेरे बच्चे नहीं होंगे अप्पू। मामू कंट्रोल कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल सिद्धार्थ, आई लव यू सिद्धार्थ। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? लॉयर को ढूंढने जाना है। सिद्धार्थ चलो, प्लीज प्लीज नंदिनी अभी जाओ यहाँ से। नंदिनी तुम्हारे पापा से बात करना चाहती हूँ मैं। हेलो नंदिनी, लीव मी। अरे सर, आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ मैं, प्लीज मुझे मत रोको। आप हम दोनों के प्यार के बीच में मत आइए, आप हमारी लव स्टोरी के विलन हो। नंदिनी, माँ, नंदिनी, डैड, ये वही लड़की है जिसे मैं चाहता हूँ। यार बेटी, तो ऑस्ट्रेलिया में होते हुए हमसे लुका छिपी खेल रही है। नाक कटाएगी हमारी। अरे इसी को तो पसंद किया था। यही मेरे दोस्त की बेटी है। बाप ने उसी लड़की को चुना और बेटा भी उसी लड़की से प्यार करता है। अगर ये दोनों फोटो देख लेते तो काम हो जाता। अरे बाप रे, इसी टेंशन में मैं नीट पी गया, मेरा पेट जल रहा है। माँ बेटी, तुम यही ऑस्ट्रेलिया में हो ये तो बता देती हमें। तेरे बारे में पता न चलने पर हम बहुत परेशान थे। लस्सी लीजिए। थैंक्स, वेलकम। लो लस्सी पी लो। बेटी नंदिनी कितना प्यारा नाम है, लस्सी पियो बेटी, अल्कोहल मत पियो। चीयर्स चीयर्स। मुंबई में एंगेजमेंट रख लेते हैं, आप लोगों के लिए ओके है ना? 100% ओके। हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया है, रिटर्न टिकट्स भी बुक करा लिए हैं, अब हमें जाना होगा। नंदिनी कहाँ है? वो सर मैं ले आता हूँ सर। बेवकूफ कहीं का। मैं अब तुमसे एंगेजमेंट में ही मिलूंगी, तब तक बहुत लंबा गैप हो जाएगा है ना? अप्पू सब लोग वहाँ तुम लोगों की सगाई फिक्स कर रहे हैं, गोद भराई नहीं। अब जाइए, जाइए ना अभी। मैंने कुछ नहीं देखा। डैड, आज मैं उस टेंडर मीटिंग को अटेंड करने जाऊंगा। सिद्धार्थ, टेंडर के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। डैड, आपने आज तक फैमिली पार्टीज, गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शंस, इन सबको सैक्रिफाइस किया है। इट्स इनफ, आज के बाद आप कोई फैमिली पार्टी मिस नहीं करेंगे, आप घर में ही रहेंगे। एज आई प्रॉमिस्ड, दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी अ न्यू ईयर गिफ्ट फॉर यू। ओके सिद। हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे, जल्दी आ जाना।
कंपनी के लिए ऑयल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जाता है अशोक एंड कंपनी। Congrats. Thank you. Congratulations. Thanks. Hey. Mubarak ho. Thanks. Hey, congratulations. Thank you. Sir. मूर्ति, मूर्ति, सर, आपका प्राइवेट जेट क्रैश हो गया और आपकी पूरी फैमिली। अपनी जैसी अनजाने रास्ते खुलते जाएं, अंधेरा छा गया सब कुछ खोया, जहां देखूं नए चेहरे, मैं जो भी सोचूं वही यादें
जाने बिना जो मैंने पाया, बिना चाहे सब है खोया, कैसे मैं तैर पाऊंगा यहाँ। ठंडी हवाएं भी रुकी यूं, सारा जग थमे। फोन उठाता ही नहीं है। जाते लम्हे जाए, उनको कुछ भी होगा। कंधों का जो सहारा, जैसे था मैं वही पाया। कुछ भी नहीं मेरे सिवा, कोई न जाने सब कुछ थम सा गया। अब लगे ठंडी हवाएं भी रुके यूं, सारा जग थमे। सागर की लहरें क्यों थके, बारिश की ये बूंदें भी है प्यासे। चंदा लुट गया है चांदनी से। ये लो। अपो अपू, अपू, हे, कैसे हो तुम अपू? कितने साल हो गए तुमसे मिले। मुझे लगता है तुम अभी तक कुछ भूले नहीं हो। उसका सबूत है ये डॉल। तुम्हारे मम्मी डैडी ठीक है ना? ये कैसा सरप्राइज है, अचानक कैसे आना हुआ तुम्हारा? यहीं से गया था, अब किस्मत मुझे वापस यहाँ ले आई। यहाँ के बच्चों को वो अनाथ है ऐसा महसूस ही नहीं होने देते हम, इसलिए हम उन्हें हॉस्टल में रखते हैं। इस अनाथ आश्रम में अप्पू को हर कोई प्यार करता है, इसने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा। कृपा करके इसे बहुत प्यार दीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं, अब यही हमारा सब कुछ है। भगवान ने सब कुछ दिया और वो सब वापस ले गया कृष्णा। वहां जहां भी रहता, जहां भी जाता, उनकी यादें मेरा पीछा कर रही थी। मैं वहां रह नहीं पाया तो यहां चला आया। आप और इस आश्रम को छोड़कर मेरा कोई नहीं है कृष्णा। इस नरक से बाहर आने के लिए मुझे समय लगेगा। क्या मैं कुछ दिन यहां रह सकता हूं? यह तुम्हारा घर है, यहां रहने के लिए तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। चल। Thank you.
नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। सत श्री अकाल। कॉफी पिया आपने? अभी तो नहीं पी। अभी नहीं। निरंजन, ए नागराज, निरंजन कहाँ है? मैंने नहीं देखा भैया, कहाँ गया होगा? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो कहता रहे, हम भैंस के दीवाने हैं, उस पे सवारी करेंगे। ए निरंजन, क्या हो रहा है ये सब? दूध वाली तो हनीमून पे गई है, दूध लाने वाला कोई नहीं है, तभी तो इस भैंस को यहाँ ले आया हूँ। पहले जाकर कॉफी बना। जल्दी क्या करूँ, डिकॉशन बना सकता हूँ मैं, दूध तो जब ये देगी तब कॉफी बनेगी ना। अपू, अपू। गुड मॉर्निंग डैड। चल के कॉफी पी लो। बैठो। नमस्ते सर। सत श्री अकाल जी। जब तुम यहाँ थे तो ये अनाथ आश्रम था, अब ये ओल्ड एज होम है। हेलो, कैसे हो बेटा तुम? हाँ बोलो बेटा। स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल से ज्यादा आजकल वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ती है। एक उम्र होने के बाद कोई माँ बाप की देखभाल नहीं करता। कॉफी लीजिए, आपकी कम है। थैंक यू। क्या ये नया है क्या? आपको देख के लगता है सदाशिव नगर से हो, यहाँ क्यों आए हो? रहने दीजिए। कॉफी कैसी है? बहुत अच्छी है। पता नहीं है कैसी कॉफी है, बिल्कुल फीकी है कॉफी, दूध तो बिल्कुल भी नहीं है, इसे कोई कॉफी कहेगा क्या? सठिया गया बुड्ढा, हर चीज में गलती निकालता है। आप परेशान मत होइए, वो हमेशा से ही ऐसा करते हैं। हम कुछ भी कर दें उनको तसल्ली नहीं होती। खाना, नाश्ता, कॉफी से लेके बच्चे पोते, किसी से भी खुश नहीं है वो। उन्हें हमेशा खुद की चिंता लगी रहती है, बेचैन आत्मा है वो। कृष्णा, कोई ये बात नहीं जानता कि मैं यहाँ आया हूँ। किसी को बताए बगैर मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आ गया। नंदिनी और अंकल बहुत ही टेंशन में होंगे, मुझे उनसे मिलना होगा। ठीक है, उनसे मिलकर वापस आ जाना। लीजिए लीजिए। एक और बड़ा दोनों। उम्र हो गई है लेकिन बार बार बड़ा चाहिए खाने के लिए। इस उम्र में भी खाने की इच्छा गई नहीं। ये सब खाना छोड़ दो, तंदुरुस्त रहोगे। भैया वो दाढ़ी बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी, ये इतना सूट हो रहा है ना कि किसी और पे इतना नहीं जचेगा। बैठिए, नाश्ता लगाता हूँ। इडली सांबर बहुत ही अच्छा है। तो आप खाइए ना। है क्या? इडली इडली है, पत्थर जैसा कड़क है, और ये सांबर, इसमें करी पत्ता बिल्कुल भी नहीं है। बदकिस्मती, वॉइस उनकी थी, लिप सिंक मेरा था, ये तो इनका रोज का नाटक है। अब नाश्ता कीजिए, मैं कॉफी लेके आता हूँ। हेलो सर, आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं, कल की लास्ट डेडलाइन है, अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो बचेगा नहीं। उन सब बुड्ढों के साथ तुझे भी रोड पर ला दूंगा। कृष्णा हम चले। हाँ अंकल। सिद्धार्थ, अब तक कहाँ थे? हमें बहुत टेंशन हो गई थी। बिजनेस वगैरह सब ठीक है ना? तुम्हारी तरफ से कोई खबर नहीं आई? सॉरी अंकल, दरअसल मैं किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था। जो कुछ भी हुआ है उसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। अंकल, पता नहीं डैड ने आपको बताया कि नहीं, मैं छोड़ो सिद्धार्थ, उसने मुझे ये बात बताई थी, उसके बाद ही शादी की बात की थी। तुम बचपन से ही उसी घर में पले बड़े हो, पिता को देखकर बता सकते हैं कि बेटा कैसा होगा। बस तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, बी स्ट्रॉन्ग। अंकल, नंदिनी कैसी है? देखो अब तुम हमारे साथ रहना प्लीज, हमारे साथ रहोगे एटलीस्ट तो तुम्हारे लिए सब कुछ भूलना आसान होगा। नंदिनी, उनकी यादों को भुलाना आसान नहीं है। तुम्हारी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ,
आई विल बी ऑल राइट। उस आश्रम में मुझे घर जैसा प्यार मिलता है, वहाँ मेरे मन को शांति मिलती है और अपनों का सहारा मिलता है। तुम्हें जहाँ खुशी मिले वहीं रहो, जब तुम्हारा मन करे यहाँ आ सकते हो, वैसे ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। लो बस अमृतांजन। अमृतांजन ये क्यों? शाम हो गई ना, आदमी बोतल लेके बैठ जाएंगे और औरतें टीवी के सामने, वो पीकर टाइट हो जाते हैं, औरतें टीवी देखकर लूज हो जाती हैं, सीरियल स्टार्ट होते ही अगर उसमें कोई झगड़ा करेगा तो उसे देखकर ये लोग झगड़ा करते हैं। ये देखो शुरू हो गई। ए रिमोट दे मुझे, तेरे बाप ने टीवी लगाया है क्या? जानती है ना मैं रोज सीरियल देखती हूँ, हर बार बताना पड़ेगा क्या? टीवी सबके लिए रखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। जब मैं नहीं देखती तू तब देखा कर, जब तक मैं टीवी देखूंगी तू रिमोट को हाथ नहीं लगाएगी। तुझसे नहीं लड़ सकती, तू हमेशा लड़ती रहती है, इसीलिए घर वालों ने बाहर निकाल दिया तुझे। अच्छा, तो तुझे किस लिए छोड़ा है? तुझे भी तो घर से निकाला है। डेली इनकी लड़ाई से हम लोग टॉर्चर होते हैं। कहते हैं इस देश में सहनशीलता कहीं नहीं है, पहले अपने घर में होनी चाहिए। लेकिन घर में अगर ऐसी माएं और बीवियां हो झगड़ा करने वाली, तो आदमी परेशान हो जाता है, समझे आप? एक तरफ माँ को सपोर्ट नहीं कर सकता, एक तरफ बीवी को सपोर्ट नहीं कर सकता, फेसबुक में भी ये सब नहीं डाल सकता, इसलिए कंफ्यूज होकर सफर करता है। आखिर में परेशान होकर वो अपने माँ बाप को यहाँ आश्रम में छोड़ के आराम से रहने लगते हैं। इन्हें घर से बाहर करने के बाद भी ये लोग अपनी पूरी जायदाद उन्हीं के नाम लिख देते हैं और उन्हें बैठ के श्राप देते रहते हैं। हमें क्या पड़ी है? चलो बॉस। बस 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 बस, दरवाजा मत बंद कीजिए, अभी कोई आने वाला है। 10:30 बज गए, उनके लिए तो अभी रात शुरू हुई है। वो अभी बाहर जाके पूरा शहर घूम के अपने फ्रेंड्स से मिलके आते वक्त एक 90 और मेरे लिए एक 90 लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया आदमी है। हाय चिकना। हाय सर, मैंने आपका खाना आपके कमरे में रखवा दिया है। ये तुम्हारा 90। ये कौन है? इनका नाम सिद्धार्थ है, ये अभी यहीं रहते हैं। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे परिवार वालों ने आश्रम में भेज दिया, क्या इतनी जल्दी जिंदगी से थक गए हो? आई एम मोहम्मद रफी। हेलो, तुम्हें चाहिए क्या ये 90? नो थैंक्स। ए व्हाट्सएप पे एक सॉलिड वीडियो भेजा था, उसे जरूर देख लेना। उसमें कुश्ती है क्या? और नहीं तो क्या। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। ये बाकी लोगों जैसे नहीं बॉस, ये बहुत अच्छे हैं। ये किसी के बारे में कभी कोई कंप्लेंट नहीं करते, अपने बेटे को भी नहीं कोसते जिसने इन्हें यहाँ छोड़ दिया है। वो किसी से पैसे नहीं लेते, जो उनके पास है उसी में खुश रहते हैं। गुड नाइट बॉस, अब मेरा दारू पीने का टाइम हो गया है। पिताजी, अगले महीने हमारे घर का गृह प्रवेश है, उसका सबसे पहला कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज फंक्शन में जरूर आइएगा पिताजी। जब मैं सर्विस में था तब गवर्नमेंट ने अलाउड किया था मुझे ये प्लॉट भी मेरा है और ये पैसा भी मेरा है। तूने इसमें घर बना लिया, अब अपने बाप को आश्रम में छोड़ के तू घर में मजा लेना चाहता है। बॉस इनका नाटक चालू, प्लीज आप जरूर आइएगा सर। मैं चलता हूँ कृष्णा। हाँ हेलो सर। हेलो अंकल। हाय। क्या सोच रहे हैं अंकल? नथिंग, टेल मी सिद्धार्थ। अंकल, डैड ने बहुत कुछ सोच कर रखा था लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उनमें से कुछ मैं पूरा करने की सोच रहा हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चैरिटीज। इस साल के प्रॉफिट में से 40% चैरिटीज को देने का मैंने डिसाइड किया है। बस एक बार आपको बताकर फंड्स रिलीज करना चाहता हूं। क्या बात है अंकल, आप साइलेंट हो गए, क्या हुआ? तुम जिस हाल में हो इस वक्त ये बताना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन बताना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो भला करते हैं उनके साथ भला नहीं होता सिद्धार्थ। समाज में सबकी मदद करने के लिए अशोक ने एक पोलियो फंड बनाया था, लेकिन उसमें जो कमी पड़ गई थी ये बात तुम तक नहीं पहुंची। पूरा राज्य तुम्हारे पिताजी से नफरत कर रहा था, पूरे राज्य की जनता भी। अशोक ने जिस दवाई के लिए फंड दिया था उसमें डेंजरस केमिकल्स थे, उसके कारण बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए, कुछ बच्चे मर भी गए। पोलियो स्कैम में एक्स हेल्थ मिनिस्टर को जेल हो गई। अशोक को कोर्ट नोटिस भी आया था, ये बताने से पहले ही अशोक वो निर्दोष है ये मैं ही जानता हूं, लेकिन ये साबित करने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है और वो भी नहीं रहा। ये केस कैसा मोड़ लेगा पता नहीं, उसका बेटा होने के नाते सब लोग तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। मुझे तो लगता है तुम्हें ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाना चाहिए।
मैं ऐसा बेटा नहीं हूँ जो डर कर कहीं छुप जाऊं, और ना ही ये बात मेरे डैड ने मुझे कभी सिखाई है। जिस आदमी के कारण मेरी एक पहचान बनी है, उनकी पहचान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिद्धार्थ, हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करने निकलेंगे तो हजारों मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तब हमें अपना रास्ता बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं। बॉस, आश्रम चलाने के लिए कृष्ण भैया ने कुछ फाइनेंस लिया था। आज तक तो वो किसी तरह मुश्किल से इंटरेस्ट भरते आए, पर पिछले 3 महीनों से वो भर नहीं पाए, इसलिए उस फाइनेंसर ने सबको बाहर कर दिया है। कृष्ण भैया ने बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सर, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, यहाँ सब बुजुर्ग लोग हैं सर। सर, कल बाहर यहाँ से। इन बुड्ढों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ए, सारे दरवाजे लॉक करो। अपू, तेरा पैसा मांगना गलत नहीं है, मांगने का तरीका गलत है। ब्लैंक चेक, जितना अमाउंट है और उसका इंटरेस्ट, और तेरा और तेरे आदमियों का हॉस्पिटल का बिल सब मिला के भर दे। आज के बाद इस आश्रम की तरफ आया भी ना। आज तक मैंने कई लोगों को अपने लिए करोड़ों कमाते देखा है, लेकिन आज पहली बार किसी को दूसरों के लिए करोड़ों देते हुए देख रहा हूँ। तभी शायद लोग इन्हें महाराष्ट्र का करोड़पति कहते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स और आपने मुझे बताया नहीं कृष्णा, क्या सोचा मैं मर चुका हूँ? नहीं अप्पू, तुम पहले से ही अपनी परेशानियों में इतने घिरे हुए हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। जब वो सब बाहर खड़े थे, उनकी आंखों में वो डर शर्मिंदगी थी। अगर उन्हें वो बाहर फेंक देते तो कहां जाते वो लोग? एक सेकंड के लिए मुझे अपना आश्रम का अतीत याद आ गया, तभी लगा कि किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। गुड़िया डोलती है, छम छम बोलती है, तू मेरा शहजादा।
चूड़िया डोलती है, छम छम बोलती है, तू मेरा शहजादा। नई दिशाएं खुल के आए, घाव पुराने भरते जाए, पावन है प्यारा है अपना भी है, गिरा ना पाओगे क्या उछाल पाओगे, कभी ना हर हर के सर ना झुकाए। गुड़िया डोलती है, छम छम बोलती है, तू मेरा शहजादा। चुप हो जाओ, क्या है, कोई भी मुझसे बात ही नहीं करता। जब घर पे थी तब भी कोई बात नहीं करता था, अब यहाँ पे भी यही हाल है। अगर आप हमेशा टीवी के लिए सबसे लड़ती रहेंगी तो कौन आपसे बात करेगा? मेरी क्या गलती है, घर में भी कोई मुझसे बात नहीं करता था, मैं अकेली बैठे बैठे क्या करती, तभी टीवी देखना शुरू किया। अभी, I have told you so many times not to speak with granny. She will spoil you. तुम्हारी माँ की वजह से मेरा बेटा बिगड़ रहा है, वो ठीक से इंग्लिश भी नहीं बोल सकती, जानते हो कितनी शर्म की बात है। इट्स क्लियर, इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी, और वो इंग्लिश मेरी दुश्मन बन गई बेटा। वैसे आप इंग्लिश नहीं जानते तो उसमें तो टेंशन क्यों लेना, यहाँ तो बहुत से लोग मराठी भी नहीं बोल सकते हैं, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। क्या बात करते हो, मैं और इंग्लिश, ये कैसे होगा। जब आप मराठी सीख सकती हो जिसमें बहुत से अक्षर हैं, तो सिर्फ 26 अक्षर वाले इंग्लिश को क्यों नहीं सीख सकती। अस्थमा कैसे है? झोपड़ी हो या बंगला हो फर्क न देखे ये, वो हर पल खेलते जाए, छोटे बड़ों को एक सा देखे, सबका मान रखे, ये सम्मान से रहे। रईस है पर अहंकार में कभी न ये चले, उस अच्छे पेड़ की छांव की याद में हर पल खोए रहे, साथ रहो तुम यूं ही हमेशा, जैसे पिता थे बिल्कुल वैसे, पाकर तुझको भाग खुले हैं, तू हम सब की जान। जलकर घर रोशन करता, जलता दीप है ये, जलते दीप जैसे हो, ऊपर वाला खेल खिलाए, हम तो खिलौने हैं, है सब कुछ उसके हाथ में, वापसी में बदल गई अब मेरी जिंदगी, बदली सबकी जिंदगी जब तूने दी खुशी, मौके सबको मिले हमेशा, सही ना करता कोई तेरे जैसा, सूरज तुम चंदा तुम ना कोई ऐसा, हाँ ना कोई ऐसा। ये कोई पुरन पोली है क्या, ठीक तरह से बनाना भी नहीं आता, त्योहार के दिन भी इतना घटिया खाना मिलता है, क्या बदकिस्मती है। मैं 1:30 बजे तक आ जाऊंगा, तुम खाना खा लेना। ओके। बॉस 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 बॉस, वो मत खाना आप। अरे वो बुड्ढा ठीक नहीं बनाया, कहके छोड़ के चला गया है, वो झूठी प्लेट है, मैं दूसरी ले आता हूँ, लाओ दो, दो। कोई बात नहीं, खाते वक्त बीच में नहीं उठना चाहिए, कुछ लोगों को यह भी नसीब नहीं होता, और कुछ लोग हैं जिन्हें कोई पूछता भी नहीं कि खाया कि नहीं। हमारी जिंदगी तो कुछ लोगों के लिए बस सपना बन के रह जाती है, जो हमें मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। तू जाके मक्खन ले आ जा। मंत्री जी की जय, 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 मंत्री जी की जय।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं पार्टी और जनता की सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। मैं अपना काम और पार्टी का जो भी कर्तव्य है उसे ठीक से निभाऊंगा। आपकी योजनाएं, आपकी सोच और आपका प्लान क्या है, ये बताएंगे सर? तुम ट्विटर पे हो ना? यस सर। वहाँ मुझे फॉलो करना। ओके सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दादी, इंग्लिश सीख रही है या बुक हाथ में लेके हमें बेवकूफ बना रही है? बिल्कुल सीख रही हूँ बेटा। ऐसा है क्या? मुझे दो टेस्ट लेता हूँ। ये क्या है? FLOWER, फ्लावर। इसका क्या मतलब? मतलब फूल। और ये? POWER, पावर। मतलब? बढ़िया। हाँ। आज मेरे बेटे का गृह प्रवेश है। मेरे बेटे ने यहाँ आकर मुझे इनविटेशन दिया था। वहाँ जाने का मन तो कर रहा है, लेकिन उन सबके साथ घर को भी छोड़ चुका हूँ, इसलिए अकेले जाने में अजीब सा लग रहा है। हाय, नमस्ते। हाय। पापा। खुशबू। आप ठीक हो ना? आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए पापा, आइए। सर थोड़े चावल दूं मैं आपको? नहीं, बहुत है, थोड़े से ले लीजिए। अगर वो मना कर रहे हैं तो क्यों फोर्स करते हो? जितना चाहिए उतना वो खाएंगे। चावल वेस्ट मत करो, वो चावल किसी और को खिला सकते हो। टॉवल पापा। तुमने घर बहुत अच्छा बनाया है, गलती सब मेरी है। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो तुम्हें तकलीफ होगी। जाने अनजाने अगर मैंने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। अब मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। पापा, फैमिली में ये सब तो आम बात है, उसे अपने मन में मत रखिएगा पापा। जब आपका घर है, बच्चे हैं, पोती हैं, तो फिर आप आश्रम में क्यों रहना चाहते? मेरी बात मानिए, प्लीज रुक जाइए। प्लीज पापा, पापा प्लीज। कृष्णा, घर आते रहना, मैं अब अपने बेटे के साथ रहूंगा। कृष्णा, आपने देखा वो कितने खुश थे? हम उनका कितना भी ख्याल रखें, लेकिन उन्हें बच्चों के साथ ही आनंद मिलता है। बच्चों का प्यार सच में बहुत अहम होता है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि घर, पैसा, नाम और जायदाद हो, बस समाज में हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं भी तो एक अनाथ हूँ, जिंदगी में मुझे सब कुछ मिला है, इतना सब कुछ होते हुए भी वो अनाथ भला क्यों बने? हर माता पिता को अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहिए। माँ बाप ने अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए पोलियो वैक्सीन दिलवाया, लेकिन ये बच्चे वैक्सीनेशन के बाद बीमार पड़ गए। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि ये गरीब है इसलिए इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। जो लोग पोलियो के नाम पर भी भ्रष्टाचार करते हैं वो इंसान नहीं, राक्षस है। इन बच्चों के लिए जितना भी खर्च होगा कोई बात नहीं, हम अपनी चैरिटी की तरफ से पूरी मदद करेंगे। ये सारे बच्चे ठीक हो जाने चाहिए। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। अंकल, मैं उस एक्स हेल्थ मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ। That's how system works. बूथ्स में भेजने से पहले उन पोलियो ड्रॉप्स की क्वालिटी चेक नहीं करते? Everything was perfectly all right. In fact, मैंने खुद वहाँ खड़े होकर चेक करवाया है और उसके बाद ही साइन किए हैं। रातों रात क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। I was trapped. Oh, 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 oh
सिद्धार्थ, इस लैब टेस्ट से हमें क्या मदद मिलेगी? वो ये अंकल, मिनिस्टर से चेक करके साइन किए गए पोलियो ड्रॉप्स के सैंपल और बूथ में डाले गए पोलियो ड्रॉप्स दोनों एक है या नहीं ये पता चलेगा। अगर बूथ के पोलियो ड्रॉप्स अलग हुए तो इस स्कैम के पीछे किसका हाथ है ये कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद उसकी असलियत सामने आ जाएगी। ठीक कह रहे हो। मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? आपको वृद्धाश्रम जाना है। हाँ बोलिए तिवारी जी। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। आपसे हाँ, कुछ बात करनी। हाँ दिल्ली में मिलते हैं। नमस्ते। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कीप इट अप। अपू, ये हेल्थ मिनिस्टर। हेलो सर। अपना जन्मदिन मनाने के लिए आश्रम आए थे। ये आप आश्रम की तारीफ कर रहे थे ना, उसका पूरा श्रेय इनको जाता है। वेरी गुड। जब भी तुम जैसे नौजवानों को देखता हूँ मुझे अपने देश पे गर्व होता है। इनफैक्ट तुम जैसों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। मेरे डैड हमेशा यही कहते थे कि लोगों पर राज करना है तो पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, लेकिन हमको जनता से प्यार है सर, हमारी तो विल पावर ही काफी है सर। वेल सेड। नमस्ते। नमस्ते। अंकल ऐसी सिचुएशन में एंगेजमेंट। सिद्धार्थ, तुम्हारे डैड ने बड़ी खुशी से एंगेजमेंट तय की थी, अगर वो जिंदा होते तो बड़ी खुशी से मनाते। मान जो अप्पू। चले क्या? मुहूर्त का समय निकल रहा है, अपने परिवार को बुलाइए। ट्रैफिक जाम वगैरह का बहाना मत बनाइए। जगदीश साहब, आप अपने परिवार वालों को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। वो क्या है कि वो लगता है लड़के वाले सब आ गए। जल्दी बुलाइए उन्हें, हमें शास्त्रों के हिसाब से कार्यक्रम शुरू करना है। एंगेजमेंट तो हो गई, अब शादी से पहले तुम्हें बैचलर्स पार्टी देनी होगी।
कहाँ ले जाओगे हमें? गोवा 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 गोवा। हाय हाउ आर यू? गुड। ए, ये सब देख के ही लाल टपकाने लग गए। वी आर इन गोवा, यहाँ मसाज पार्टी वगैरह करना सब बाकी है। हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग का मतलब शुभ समाप्ति। आप सब इतना कुछ प्लान कर रहे हो, आप सबकी आशाएं पूरी करने के लिए आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो गोवा को अच्छी तरह जानता हो। दैट इज ऑलरेडी अरेंज्ड, द गाय इज ऑन द वे। जितना लंबा नाम है उतना तो खुद भी नहीं है। क्या है कि मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, गोवा में सेटल हो गया हूँ। आप भी महाराष्ट्र से हैं? मैं आपका चेहरा देख ही बता सकता हूँ आप। लेडीज एंड ओल्डीज, आपको गोवा के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछिए। जियो सिम फ्री है इसलिए आप उसे मत खोलिए। और ये है मेरी असिस्टेंट, हम दोनों आपकी सेवा के लिए तैयार है। ये कौन है? इन पुराने मशीनों के बीच में एक बेकार सा मशीन। कुक हूं। क्या कुक करते हो? पता चल जाएगा। फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन, आप लोग ओल्ड गोवा देखना चाहते हैं या फिर न्यू गोवा देखना चाहते हैं या वो वाला गोवा देखना चाहते हैं? गोवा का मतलब टेक यू ओवर देयर। लेट्स स्टार्ट। ओके ओके गो गो फास्ट। इस उम्र में इतना कूद रहा है तो अपनी जवानी में कितना कूद रहा होगा। ये कुक इसे बुक करना चाहता है। मेरे बेटे ने मुझे कभी इतनी खुशी नहीं दी। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम जितना भी अपने बेटे का ध्यान रख लो, मगर शादी होते ही वो अपने रास्ते निकल जाता है। अब जिंदगी ऐसी ही हो गई है। बंद करो। पुरानी सारी मशीनें फुल हो रही है पानी में। ए, बहुत बड़ा नालायक है तू। गोवा में आकर के नारियल पानी पी रहे हो? बियर पियो, बियर। अरे उसका मजा ही कुछ और होता है। हटा इसको। Enjoy! मैंने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए। अरे ये कैसे पागल लोग हैं? अरे कम से कम चड्डी तो पहन लो। अरे आप लोगों की कोई इज्जत इज्जत है कि नहीं? सर सॉफ्ट ड्रिंक? नहीं मुझे नहीं चाहिए, थैंक्स। Coming. Excuse me, yes. सर ये क्रूज और ये गेटअप बहुत ही महंगा है, आपको चलेगा? ओके है ना? जितना चाहे खर्च कीजिए। हेलो, वो हमारे लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, उनके पिताजी आधार कार्ड है। तुम्हें जितना चाहिए स्वाइप कर लेना, बोना कहीं का। हाय, हैविंग फन? थैंक यू। एंजॉय सर। थैंक यू। ए, वारंट ड्रिंक पियो ना। नहीं, मैं इंडिया की ही पीता हूँ। अरे तुम गोवा में हो, फॉरेन ड्रिंक पियो। अरे नहीं, मैं इंडिया की ही पीता हूँ। जब मैं तकलीफ में था, दुखी था, विनय मालिया ने मेरी हेल्प की थी। अब वो मुसीबत में है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए ना। शराबी ईमानदार होते हैं तेरे जैसे नहीं। चीयर्स। ये क्या मैन, ये रोने वाला म्यूजिक लगा रखा है तुमने। हे मैन, दिस सॉन्ग इज नॉट नाइस मैन। Put some josh, chik chak chik chak chik chak chik chak like that, okay? Hey, nalayak beshram kahin ke? मैं भी हिंदी जानता हूँ, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा गाना सुनाता हूँ, जा जा के पी, भाग यहाँ से। ठीक है भाई। हाँ, hey, this is the fun. Are you?
कितनी बार मना करता हूँ पीने से लेकिन नहीं मानते। डॉक्टर ने भी कहा है थोड़ी सी भी पियेंगे तो जान जा सकती है। इन्हें हार्ट प्रॉब्लम भी है बॉस। आई लव यू, टेक केयर। ये बुड्ढा बहुत जल्दी में लगता है। क्या सब तैयार है? रेडी है। कम कम कम। कुछ कुछ कुछ। एंजॉय एंजॉय। ठीक है ठीक। कुछ भी छोड़ना मत है। आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, फिर भी आशा बची हुई है। गुड 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 गुड। एंजॉय। ये बुड्ढे तो जिंदगी का पूरा मजा ले रहे हैं। वहाँ बुड्ढे सारे मसाज के लिए गए हैं और तुम यहाँ खड़े खड़े मैसेज कर रहे हो। वो करके एंजॉय कर रहे हैं और तुम देख के एंजॉय कर रहे हो। लगता है तुम्हारी जिंदगी एक बंद किताब है। तुम्हें कैसे पता चला? जब तुम्हारी आंखें ठीक से नहीं खुलती तो तुम इस पूरी दुनिया को कैसे देखोगे? पहले आंखें खोलो। क्या आंखें? मैं भी मसाज करवाने जाऊंगा। मजा आया। अरे रुको रुको रुको, हेल में रुको रुको, आ जा रहा है। संभाल के, डू स्लोली, वहां मत दबाना है। ओके संभाल के। मुझे बियर पियो बियर पियो करके जबरदस्ती कर रहा था, अब खुद ही इतना पानी पी के मर गया मोटा। अरे Yeah, love me or hate me. Nice singing. Kiss me. Come on, enjoy. Or kill me. Oh, darling, do something with me. Hey, hey, Sir, कल से देख रहा हूँ मैं, सब लोग enjoy कर रहे हैं, लेकिन आप लोग silent क्यों हैं? बात क्या है? पिछले साल family के साथ यहाँ आए थे। हमें वो दिन बहुत याद आ रहा है। वैसे कोई भी माँ बाप बच्चों से कभी भी सेपरेट होके जीना नहीं चाहते। पापा, मैं सेपरेट रहना चाहता हूँ। और कितना कष्ट उठाऊँ मैं इस घर के लिए? क्यों, तुम अकेले कष्ट उठा रहे हो क्या? मैं भी तो मेहनत करता हूँ। घर में बड़ा बेटा है तो क्या सब यही करेंगे? सोच समझ के बोलो। इस घर में जो टीवी फ्रिज सब है ना, वो इन्होंने खरीदा है, लेकिन यूज तो सभी करते हैं। ये घर उसका है या मेरा? सुन सुन के थक चुका हूँ मैं, इसके साथ मैं नहीं रह सकता। मेरा हिस्सा दे दीजिए प्लीज। अगर सभी लोग साथ रहेंगे तभी फैमिली कहलाती है। डोंट वरी सर, सब ठीक हो जाएगा। हेलो सर, सब ठीक है ना सर? वैसे इनमें से इसके माँ बाप कौन है? कोई भी नहीं है। मैंने ये पूछा कि इनमें से ये किसका बेटा है? किसी का बेटा नहीं है। इस वृद्धाश्रम में जो भी हैं उन सब में अपने माँ बाप को देखता है वो, और ये सब भी उसमें अपने बच्चे को देख लेते हैं। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। वाह वाह, यहाँ तो लोग ये मेरा है तुम्हारा इसी स्वार्थ में जिंदगी गुजार देते हैं, हैं? और ये दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देख रहा है। बहुत ही बड़े दिल वाला है वो। अगर सभी लोग साथ रहेंगे तभी फैमिली कहलाती है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तुम हैरान हो रहे हो ना कि हमें कैसे पता चला? क्यों, जब तुम हमारे बारे में इतना सोच सकते हो तो हम भी तुम्हारे बारे में जानकारी रख सकते हैं ना। ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, हम सब हैं। अब तुम जल्दी से शादी कर लो और 1 dozen बच्चे पैदा करना और खुश रहना। come on, boys, girls, शुरू करें सुपर शो बैंड, पक्के से भी पक्का अब शुरू होगा बैंग बैंग। Come on, boys.
बॉयज गर्ल शुरू करे सुपर शो बैंड, ऑल द अपू फैंस चलो शुरू करे डांस। शक्तिमान है छोटा भीम है, तीर जैसा कोई ना है, सुपरमैन है बैटमैन है, तू ही मेरा माचो मैन है। हॉस्पिटल में नहीं है, इट्स कॉस्टली, कहीं बाहर से मंगवाइए डॉक्टर, पैसों की चिंता मत कीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, फंड्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो तुरंत। हाँ। अरे मेरी बच्ची को कोई बचा के देखिए प्लीज, क्या हो गया मेरे भगवान। सर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आपके अपने यहाँ कोई एडमिट है क्या, या फिर आपके कोई जान पहचान का कोई बच्चा एडमिट है? डॉक्टर साहब देखिए ना मेरी बेटी को क्या हो गया। मेरे अपने तो कोई नहीं है इनमें, लेकिन जो मेरे अपने हैं उन्हीं लोगों की वजह से सब कुछ हो रहा है बेटा। इस पोलियो स्कैन का पूरा कारण है इस वक्त का हेल्थ मिनिस्टर जगन्नाथ, जो मेरा बेटा है। हेल्थ मिनिस्टर बनने के लिए दोनों के बीच में कंपटीशन था, हाई कमांड ने श्रीधर को चुना था, इसे भरोसा था कि ये मिनिस्टर बनेगा, तभी 200 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन कर दिया था जगन्नाथ ने, और इसने एनआरआई अशोक और श्रीधर के पोलियो प्रोग्राम को खत्म करने का प्लान बनाया। स्टॉप 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 स्टॉप। सर 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 सर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पोलियो वैक्सीन के बारे में जानकारी मिली है,
जब मैं स्टिंग ऑपरेशन में था तो किसी गैंग ने मेरे ऊपर अटैक किया है सर। इसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है सर। ये कैमरा मेरे हाथ में रहा तो बहुत खतरा होगा सर, वो मुझे मार डालेंगे। ये कैमरा पुलिस को हैंड ओवर कर दीजिएगा सर, प्लीज सर। जगन्नाथ अब इंसान नहीं रह गया था और राक्षस बन गया था। जगन्नाथ, मुझे जो कैमरे का फुटेज मिला था उससे मैंने उसे चेतावनी दी कि वो सरेंडर हो जाए, लेकिन उसने मुझे धमकाया और मेरे आंखों के सामने उस इंस्पेक्टर से उस जर्नलिस्ट पर गोली चलवाई। मत मारिए सर, प्लीज। पिताजी आप मेरी। वहां से मैं उस सबूत को लेकर मीडिया को देने के लिए भाग निकला, लेकिन चारों तरफ उसके गुंडे मुझे ढूंढ रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर द्वारा न्याय मांगने के लिए मैं पुलिस कमिश्नर के पास भी गया, लेकिन मैं जान गया था कि उस दवाई के सर्कुलेशन को अब रोका नहीं जा सकता, इसलिए मैं वहां गया जहां हेल्थ मिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स का उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन मेरी वो कोशिश भी बेकार गई और मैं उसके अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया। कुर्सी के लिए उसने बेचारे बच्चों की जान ले ली, लेकिन वो उस स्कैम के सबूत को मिटा नहीं पाया। लेकिन उसके कर्मों के सारे सबूत अभी भी मेरे पास हार्ड डिस्क में सेफ है और ये पक्का सबूत है। सबूत होने के बाद भी मेरी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मैं ही हूं सर, एनआरआई अशोक का बेटा सिद्धार्थ। आज तक मैं बस इसी प्रूफ के लिए रुका हुआ था, अब मेरे डैड को निर्दोष साबित करने के लिए ये काफी है। तुम्हारे पिताजी इनोसेंट थे ये तुम प्रूव कर सकते हो, लेकिन उन बेचारे बच्चों का क्या? इस सबूत के बल पर मेरा बेटा जेल जरूर चला जाएगा, लेकिन 6 महीने में वो बाहर आ जाएगा। पॉलिटिकल पावर नो, उन बच्चों और उनके माँ बाप ने जो दुख दर्द सहा है वो उसे भी सहना होगा। उसे मानना होगा कि वो गलती उसकी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सिर्फ समस्या तुम्हारी नहीं है सिद्धार्थ, ये पूरी जनता की समस्या है। जनता के वास्ते तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी। आज पब्लिक टॉक में हमारे साथ हैं जगन्नाथ, हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर। इस पब्लिक टॉक में आपका स्वागत है। नमस्ते। जैसा कि आप जानते होंगे इस कार्यक्रम में जनता आपसे प्रश्न करेगी और आपको उसका जवाब देना होगा। श्योर, पूछिए। नमस्ते सर, एम्बुलेंस की कमी की वजह से पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। मैं ये बात जानता हूँ, मैं ऑलरेडी 500 एम्बुलेंस मुंबई और बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए मंजूर कर चुका हूँ। अगला प्रश्न जनता की तरफ से। यस जेंटलमैन। सर, पोलियो से अफेक्ट हुए लोगों के लिए सरकार से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। नो 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 नो, यू हैव अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत है ये। सरकार मदद के लिए मंजूरी दे चुकी है। चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन रिपोर्ट कहती है कि सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिला है। एक्सक्यूज मी, पास इट ऑन सर। ओह, व्हाट अ सरप्राइज, आई एम सॉरी, ये मुझ तक नहीं पहुंचा, मैं जानता भी नहीं। मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व करने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं सर। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र से सर्टिफाइड होकर एक्स हेल्थ मिनिस्टर द्वारा अप्रूव किए गए मेडिसिंस और पोलियो बूथ में पहुंचाए गए मेडिसिंस अलग हैं। ये देखिए लैब रिपोर्ट्स। इसके पीछे किसी और का हाथ है सर, वो कौन है ये बाहर लाना होगा। यस यस, बिल्कुल लाना होगा। जनता को भी पता चलना चाहिए, सरकार को भी पता चलना चाहिए कि वो कौन है। ये केस CBI को देना चाहिए। जो कोई भी हरामखोर इन लाचार बच्चों की जिंदगी के साथ खेला है उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए सर। ये केस CBI को सौंपना चाहिए, ये हम जनता की तरफ से मांग करते हैं। या, यू आर राइट, यही सही है। सरकार बिल्कुल जनता की तरफ है और जनता जो कहेगी वही तो हमें करना है। हम इसे CBI को सौंप देंगे। आपको मेरी पूरी सपोर्ट मिलेगी, मैं सरकार से बात करके इस केस को CBI को सौंप दूंगा। थैंक यू जेंटलमैन, इस मामले को सबके सामने लाने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू। मुझ सही कह रहा है कि CBI को सौंप दो ये केस। अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा है। उसे मैंने कहीं देखा है, कहां देखा? ये वहीं रहता जहां मेरे पिताजी रहते हैं। इसका मतलब मेरे पिताजी आश्रम में छुपे हुए हैं। सर, हम सोच रहे थे कि हम सब सेफ हैं, लेकिन अब मुसीबत हमारे सर पे है। क्या हुआ?
सोचा था कि एनआरआई पर ब्लेम डालने से हमें कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पूछने और बताने के लिए एक आदमी आगे आया है। टीवी शो में आपसे सवाल करने वाला कोई और नहीं है सर, उसी एनआरआई का बेटा है। उसके पास केस के सारे डिटेल्स हैं। इसका मतलब दोनों मिलकर हमें बर्बाद करना चाहते हैं। वो प्रूफ मेरे पिताजी के पास है और वो उसे साबित करना चाहते हैं। अगर हम इन्हें जनता के बीच जाने देंगे तो हम सर उठाने के लायक नहीं रहेंगे। हेलो, जैसा आपने कहा था मैंने सारे हॉस्पिटल बिल भर दिए हैं। लेकिन वो बच्चे सुरक्षित है ना? उन बच्चों को बचाकर तुमने बहुत पुण्य का काम किया सिद्धार्थ। इट्स माय ड्यूटी सर। वो लोग जगन्नाथ के आदमी हैं। रुको, बाहर निकलो सब लोग। डर के मारे सब लोग अंदर छुप के बैठे हो। टीवी प्रोग्राम में हमारे भाई से सवाल पूछा था ना सबके सामने। तुम्हें अपनी ताकत भाई के सामने दिखानी थी ना, आजा बाहर। बाहर निकल, बाहर आ, बोल रहा हूं ना। ए, तुम सब यहाँ पर भाई बॉस ये सब बोल के चमचागिरी करने आए हो? इसे किसी की जरूरत नहीं, ये खुद ही एक पावर है। सर कल सुबह ही आपको दिल्ली जाना होगा, हाई कमान की मीटिंग है। दस आदमियों को मुझे मारने के लिए भेजना इसमें तेरी गलती नहीं है, लेकिन इससे मैं डर जाऊंगा ये सोचना तेरी गलती है। तुझे एक हफ्ते का समय देता हूं, उससे पहले तो अपनी गलती मान ले और सरेंडर हो जा। अगर ना मानू तो मैं तुझसे मनवाऊंगा। सबूत के तौर पर वो हार्ड डिस्क मेरे पास है, टीवी, इंटरनेट और फोन में वो वीडियो स्प्रेड हो जाएगा, तब जनता तुझे बाहर निकाल के मारेगी। आवेश में आके इमोशनल फूल मत बनो, वो सबूत मुझे दे दो और जितने करोड़ चाहिए ले लो। मेरे डैड ऐसे आदमी थे जो कभी नहीं बिके, तो मैं भी नहीं बिक सकता। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अगर तू 100 बार मुझ पर अटैक करेगा तो मैं 100 बार तुझे मारता ही रहूंगा। अगर मैं मारूंगा तो कल के अखबार में वही हेडलाइन होगी।
अपू अपू, हाँ सुबह से बूढ़ी माँ दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या उनको मुंबई में कुछ भी पता नहीं है, आश्रम से कभी बाहर भी नहीं गई हैं। समझ में नहीं आ रहा कि गई कहाँ होंगी। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मुझे मेरा पोता बहुत ज्यादा पसंद है। कृष्णा चलो। आपको पोते से बहुत प्यार है लेकिन बात करने से डरती हैं। कितने दिनों तक आप अपने प्यार को छुपाएंगी? अभी कितने दिनों से ये सब चलता आ रहा है? हाँ, हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू नॉट टू मिंगल विद दिस लेडी। व्हाट लेडी? You are a lady, I am a lady. You are a mother, I am a mother. You have a son, I have a son. Only difference is, I am good and you are bad. सुन लिया? मुझे अब ये सब सुनना पड़ रहा है इस गवार औरत से। इस बुद्धि से मिलता रहेगा तो मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। ए! माँ के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा हमेशा की तरह। वो भी इंग्लिश बोल रही है, संस्कार तो तुम में नहीं है। अभी कम, लेट्स गो। नहीं मम्मी, दादी जा रहेगी, मैं वही रहूंगा। अभी अब समझ में आया? तुम्हारे बुलाने पे जब तुम्हारा बेटा नहीं आया तो कितना कष्ट पहुंचा तुम्हें, और तुमने हम माँ बेटों को इतने साल तक दूर रखा तो हम कितने तड़पे होंगे। माँ, तूने आज साबित कर दिया तू मेरा बेटा है। क्षमा कर दो माँ, चलो घर चलते हैं, आगे से फिर कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, मेरी देखभाल करने के लिए मेरा दूसरा बेटा भी है। अपू, मैं आती रहूं। बिल्कुल दादी माँ। हाँ, हाँ बेटा। अपू, I text you WhatsApp. Bye. Bye. शांत हो जाइए, रोने का कोई फायदा नहीं है। आपके बच्चों का दिल नहीं पिघलेगा। निरंजन, इन्हें कमरा दिखा दो। हाँ सर, आइए सर। अगर आप तब रोते जब आपको रोना चाहिए था तो आपको अब नहीं रोना पड़ता। कितने बच्चे हैं वैसे? कृष्णा, मंथली एक्सपेंसेस। यहाँ आश्रय लेने आए हैं तो मैंने दाखिल कर लिया। आश्रम जो है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, इंसान कभी नहीं बदलता। हाँ बोलो भाई जी। एक्स हेल्थ मिनिस्टर जेल से बाहर आ चुका है। श्रीधर जी जिंदाबाद। अगर ये केस सीबीआई लेता है तो मैं कॉपरेट करूंगा। एक्स हेल्थ मिनिस्टर जेल से बेल पे रिहा हो गए हैं। अब पोलियो स्कैम के केस में नया मोड़ आ गया है। मैं रघु फ्रॉम मुंबई। सबूत मिला क्या? नहीं सर, सब जगह ढूंढ लिया। बस एक कमरा ही बाकी रह गया है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे। आज रात तक मुझे सबूत चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। आज आपका काम कर दूंगा। नाइन्टी परसेंट सर्वाइवल मुश्किल है। उनके बच्चों को यह खबर दे दीजिए। इसका एक ही बेटा है और वो फॉरेन में है। कृष्णा, उनका नंबर? वो नंबर जिस डायरी में है तुम्हारे कमरे में। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूं। बुजुर्ग होने पे ये सब होता है भाई, अभी मैं नहीं आ सकता। सर, एटलीस्ट उनसे फोन पर तो बात कीजिए ना। बात करने के लिए क्या बचा है अब? वो वही पुरानी बातें दोहराएंगे और मुझे गुस्सा आ जाएगा। अगर पैसे चाहिए तो बोल, मैं वो ट्रांसफर कर दूंगा। बाकी सब कुछ तुम कर देना। अपू, रफी सर को होश आ गया है। वो बार बार अपने बेटे को बुलाने की जिद कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक बार और ट्राई करो प्लीज।
बात कीजिए, आपका बेटा लाइन पर है, बात कीजिए प्लीज। आसिफ कैसे हो बेटा? पापा मैं ठीक हूँ, आप अभी कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। यू विल बी फाइन, अब आप ज्यादा मत सोचिए, मैं कल ही आ रहा हूँ फैमिली के साथ। यू विल बी ऑल राइट। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज अब्बा। कृष्णा सारे टैबलेट दे दिए ना? नहीं अभी देना। ठीक है आप बैठिए। तुम अच्छा नाटक करते हो, तुमने मुझसे फोन पे बात की, शायद आवाज मेरे बेटे की हो, लेकिन बात तुमने की थी। मुझे पता है बेटा, तेरी सांसों से मैंने पहचान लिया, वो आजकल मुझसे बात नहीं करना चाहता। सच है ना? सिर्फ मैंने कहा था इसलिए, तुमसे मेरी हालत नहीं देखी गई। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ मैं खुशी से मर रहा हूँ। मैं इन 68 साल की उम्र में कुछ ही दिन जिया खुशी से, वो भी जब तुम मेरी जिंदगी में आए तब। तुमने मुझे हर वो खुशी दी जिसकी मुझे चाहत थी, जिसकी कोई आशा नहीं थी वो जिंदगी भी दी तुमने। तुम भगवान बन के आए मेरी जिंदगी में, मेरे लिए तुम ही सच्चे राजकुमार हो, मेरे लिए तुम ही मेरे बेटे से बढ़कर हो। अगर मैंने दोबारा जन्म लिया तो तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा तुम्हारे एहसान चुकाने। हेलो भाई, वो हार्ड डिस्क प्रूफ के साथ हमारे हाथ लग गई। सारे डिटेल्स चेक करने के बाद मुझे फोन करो। ऐसे ना, ये ले हार्ड डिस्क कनेक्ट कर। ठीक है। एक्टिंग है क्या? सिंगिंग है क्या? डांसिंग है? अरे एक्टिंग तो इसके ब्लड में है। गाना तो पसंद आया ना भाई लोगों? ए फोल्डर चेंज कर। अकलक चक लक चकेगी धुन क्यों? चांद सितारे होते गुम जब सूरज आता है, जब सूरज आता है। रात अंधेरी होती है तो इन्हें देख सकते हैं हम, दिन में सूरज निकलता है तो इन्हें देख नहीं सकते हम। अरे वाह, बचपन से ही डबल रोल कर रहा है। अरे तुम लोगों को तो तब चड्डी पहननी भी नहीं आती होगी, कमाल कर दिया बॉस। अरे तुम सब इसके बचपन की फिल्म देखो, हैरान हो जाओगे। ए, बंद कर इसे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स थैंक्स। एक्सक्यूज मी एक मिनट। हेलो भाई, हार्ड डिस्क में कुछ भी नहीं है। क्या बक रहा है? पहले वो फोल्डर भेजो, जल्दी करो। सॉरी सॉरी, वो हम बात कर रहे थे ना उस विषय को, अब विल यू प्लीज वो फाइल उन्हें देंगे? जी ठीक है। ओ क्लासिकल रैप, इंडियन स्टेप्स। हां
ओ जगन्नाथ जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। उसने हमें धोखा दिया है। सुनो, कल शाम को मैं शपथ ग्रहण करूंगा। वो इस सबूत को लेकर कुछ भी कर सकता है। मेरे मुंबई पहुंचने से पहले तुम्हें किसी भी हाल में वो हार्ड डिस्क लेनी होगी। अटैक करो आश्रम पे, चाहे वहां मेरे पिताजी भी हो तो भी नहीं चुकना। हर हाल में मुझे हार्ड डिस्क चाहिए। इसे चुराने के लिए मैं आश्रम में आया था। मेरी पोती के हार्ट में एक छोटा सा होल था सर, ऑपरेशन के लिए 10 लाख चाहिए। अगर मैं ये काम करूंगा तो उन्होंने कहा वो पैसे मुझे देंगे। इसे चुराने के लिए मैं जब जा रहा था तभी मेरी बेटी का फोन आया और उसने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। डॉक्टर ने कहा बेटी बिल्कुल ठीक है। उस ऑपरेशन के लिए जो खर्चा हुआ था वो आपके ट्रस्ट ने मुझे दिया था सर। तब मैं समझ गया कि आप जैसे लोगों को धोखा दूंगा तो भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। दया करके मुझे माफ कर दीजिए सर। हार्ड डिस्क कहाँ है बता? नहीं मालूम। बोलो कहाँ छुपा रखी है, बोलो। मुझे नहीं मालूम। ए, हार्ड डिस्क हमें नहीं दोगे तो तेरी आंखों के सामने इन सबको मौत के घाट उतार दूंगा। किसने किया? क्या आपको पता है इसके पीछे कौन है? ये कोई आपसी रंजिश है क्या? जवाब दीजिए सर, इस आश्रम के इंचार्ज आप ही तो हैं। आप ये कैसे आश्रम चला रहे हैं सर? लोग अपने माँ बाप को यहाँ इसलिए छोड़ते हैं कि वो सेफ रहेंगे, लेकिन कहाँ सेफ हैं? अगर हमारे माँ बाप को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तुम लोगों ने अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ा था, इसके जिम्मेदार तुम लोग हो। जब वो ठीक थे तब एक बार भी उनसे मिलने आए? यही हमारा प्रॉब्लम है। जब वो ठीक रहते हैं तब हम उनकी केयर नहीं करते। अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तब हमारा दिमाग काम करता है और प्यार आ जाता है। यही प्यार तब क्यों नहीं आता जब वो साथ में रहते हैं? जब वो जिंदा होते तब हम उनकी कीमत नहीं जान पाते। उनके गुजरने के बाद उनकी कुर्सी याद आती है, वो जहां घूमते थे वो जगह याद आती है। उस दृश्य को याद करके हम पछताते हैं। जब वो जिंदा होते हैं तब हम उनकी इच्छाओं के बारे में पूछते तक नहीं, लेकिन बाद में उनका मनपसंद खाना बनवा के 100 लोगों को बिठाकर खिलाते हैं। वो जब जिंदा होते हैं तब जो हम उन्हें प्यार देते हैं वही असली प्यार है। जब बच्चों को माँ बाप हॉस्टल में पढ़ने के लिए डालते हैं तो उन्हें वापस भी ले आते हैं, लेकिन जब माँ बाप बड़े हो जाते हैं तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते, इरिटेट होते हैं, झगड़ा करते हैं, उन्हें आश्रम भेज देते हैं, लेकिन कभी वापस नहीं लेके आते। बूढ़े लोग बच्चों के समान हो जाते हैं।
इतना कुछ बोल रहे हैं आप, क्या आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? मेरी किस्मत में वो नहीं लिखा है, मैं एक अनाथ हूँ। तेरी इतनी हिम्मत की तू यहां डरा दिया? जो आदमी किसी से भी टकरा सकता है उसे तू जैसा आदमी छू भी नहीं सकता। ऐसे में मारने की बात तो दूर ही रही। आईसीयू में पड़े अपने पिता के बारे में जब तू सोचता ही नहीं है तो उन बच्चों के बारे में क्या सोचेगा? आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के बारे में क्या सोचेगा? तुझे यह सबूत चाहिए ना? मैं बस अपने डैड को निर्दोष साबित करना चाहता था। आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की रक्षा करना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। और सुन, ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच की है, इसमें तीसरे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक तो तू है या मैं हूं। अगर उनमें से किसी को भी कुछ हुआ ना तो तू चाहे जितनी ताकत लगा ले, मेरी ताकत तुझे नहीं छोड़ेगी। उसे क्या देख रहा है, कमेंट कर। ठीक है सर, ठीक है। मैं जगन्नाथ ये वचन देता हूँ। मैं जगन्नाथ ये वचन देता हूँ। कानून के द्वारा बनाए गए भारत देश के संविधान के मुताबिक। कानून के द्वारा बनाए गए भारत देश के संविधान के मुताबिक। मैं श्रद्धा और निष्ठा से मैं भारत देश की सेवा करने अपना कर्तव्य निभाते हुए महाराष्ट्र राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनके सर, ये तो फैमिली फोल्डर ओपन हो गया। जगन्नाथ, सुनिए, जल्दी गाड़ी निकालो, चलो जल्दी। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी चाहिए मुझे बताना, मैं सब संभालूंगा। डॉक्टर प्लीज, चाहे कितना भी खर्च हो मेरे पिताजी को बचा लीजिए। डॉक्टर, सिंगापुर मलेशिया कहीं भी ले जाना पड़े, आप मेरे पिताजी को बचाइए। प्लीज प्लीज डॉक्टर। अगर पैसे और दवाइयों से सब कुछ ठीक कर सकते हैं तो हॉस्पिटल में आने वाला हर कोई जीवित वापस जा सकता है। आज तुझे अपने पिताजी को बचाना है तो सिर्फ अपना प्यार जता दे, हो सके तो बचा। पापा, मैं आपसे दो मिनट बात करना चाहता हूं। पापा, जिंदगी भर आप मुझसे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कहते रहे, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आज मैं पछता रहा हूं पापा। आपने बाइक चलाना सिखाया वो मुझे याद रहा, लेकिन साइकिल भूल गया। मैंने कमाना सीखा लेकिन आपने जो शिक्षा दी वो भूल गया। अधिकार हासिल करने की लालच में मैं अपने आप को भूल गया। पापा, आपने कभी मुझे अमीर बनने के लिए नहीं कहा, डॉक्टर बनने के लिए नहीं कहा, इंजीनियर बनने के लिए भी नहीं कहा। आपने सिर्फ ईमानदार इंसान बनने को कहा था, लेकिन मैं अच्छा बेटा भी नहीं बन पाया। पापा, पापा, आपने हमेशा मेरी गलतियों को माफ किया है, अब एक बार और माफ कर दीजिए पापा। बस एक मौका और दीजिए पापा,
अब मैं आपके हिसाब से ही जीऊंगा, एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। प्लीज पापा, पापा प्लीज पापा। पापा, आप मुझे सुधरने का एक मौका नहीं देंगे? मेरे पिताजी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन मैं उन्हें मौत की ओर ले गया, और तुमने अपने पिता को अपने दिल और दिमाग में अभी तक जिंदा रखा। इस समाज को सुधारने के लिए किसी एमएलए या एमपी की जरूरत नहीं है, हर घर में तुम्हारे जैसा एक बेटा हो वही काफी है। योग्यता इंसान को एक बार मिलती है, लेकिन वो आखिर तक बनी रहती है। थैंक यू। ध्यान से पापा। सॉरी सर। इट्स ओके। सॉरी सर। आई एम वेरी सॉरी सर, मैं अपने पिताजी का पूरा ख्याल रखूंगा। कोई बात नहीं। अब आगे से इनका अच्छे से ध्यान रखना। लो स्प्रे लो। चलता हूं बेटा। बाय बाय। आखिरकार राष्ट्र के पोलियो स्कैम का अंत हुआ। इसमें एनआरआई अशोक और भूतपूर्व मंत्री श्रीधर निर्दोष हैं। ये साबित हो गया। हमारे प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर जगन्नाथ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, और इसके साथ ही उन्होंने इस स्कैम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है। आई एम प्राउड ऑफ यू। जो अपने पिता का नाम रोशन करे वही सच्चा बेटा होता है। तुमने इस मुस्कुराहट से सबका दिल जीत लिया बॉस। जिनके जीवन में दुख था तुमने उन्हें प्यार दिया। आज तुम हर एक की नजर में वाकई एक राजकुमार हो। अगर आज तुम्हारे पिताजी होते तो वाकई बहुत खुश होते। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे डैड नहीं है। मैं हर काम दिल लगा के करता हूँ। मैं लोगों को अपना समझता हूँ, और लोग भी मुझे प्यार करते हैं, इसलिए सब मेरे अपने हैं। गुड़िया डोलती है, छम छम बोलती है, तू मेरा शहजादा। गुड़िया डोलती है, छम छम बोलती है, तू मेरा शहजादा। नई दिशाएं खुल के आए, घाव पुराने भरते जाए। पावन है, प्यारा है, अपना भी है, गिरा ना पाओगे, क्या उछाल पाओगे। कभी ना हर हर के सर ना झुकाए। गुड़िया डोलती है, छम छम बोलती है, तू मेरा शहजादा।